26 अक्टूबर 1948 को संविधान सभा अध्यक्ष के माध्यम से प्रारूप समस्त सदस्यों को पुनः वितरित किया गया। इनमें संशोधनों के सुझाव, मूल अनुच्छेद एवं धाराओं को सामने के ही पन्ने में मुद्रित किया गया था। इस प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूची थी। 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का पूर्ण प्रारूप प्रस्तुत किया और स्पष्ट किया कि 1935 अधिनियम का अधिकांश भाग क्यों लिया गया है तथा भारत में कैसी शासन प्रणाली होनी चाहिए। 15 नवंबर 1948 को प्रारूप पर खंडवार व धारावार विचार विमर्श प्रारंभ हुआ। इसके लिए 11 माह तक लगातार अधिवेशन हुए। 17 सितंबर 1949 तक 2500 संशोधन प्रस्तावों पर विधिवत तर्क होते रहे। 8 जनवरी 1949 तक 67 अनुच्छेदों पर निर्णय हुआ। इसे प्रथम वाचन कहा गया। इसी प्रकार 16 नवंबर 1949 तक कुल 386 अनुच्छेदों पर विचार विमर्श कर सहमति बन पाई। इसे द्वितीय वाचन कहा गया। 17 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने प्रारूप का तीसरा वाचन प्रारंभ किया और प्रारूप के कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची व 22 भागों पर चर्चाएं की गई और 26 नवंबर 1949 को इसे स्वीकृत किया गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान की 2 पांडुलिपियां संविधान सभा में रखी गईं। ये अंग्रेजी व हिंदी में थी। अंग्रेजी में एक मुद्रित प्रति भी प्रस्तुत की गई। अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के निवेदन पर समस्त सदस्यों ने सभी तीनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रगान और वंदे मातरम गायन के साथ संविधान सभा का कार्य समाप्त हुआ। संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा।